हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, संकट चतुर्थी का मंगलवार को आना ही बड़ा अच्छा संयोग माना जाता है। तो दोस्तों, प्राचीन कथा है कि जब पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने गणपति को नया मुख लगवाया तो उनका नाम गजानन रखा गया। उसके बाद से ही चतुर्थी व्रत की परंपरा शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है वो संकट चतुर्थी कहलाती है। कृष्ण महीनों में ऐसे संयोग भी बनते हैं जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मंगलवार को होती है। इससे ही अंगारकी संकट चतुर्थी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस बार ये चतुर्थी सावन मास में 27 जुलाई 2021 को पड़ रही है। जैसा कि स्थिति के नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये चतुर्थी है जिसका नाता हमेशा भगवान गणेश से होता है। माना जाता है कि चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना करने और विधि विधान से व्रत करने पर सारे संकट दूर होते हैं। जब यही चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो इसमें मंगल देव का आशीर्वाद भी जुड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, अंगारकी संकट चतुर्थी की मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने वालों का मंगल ही मंगल होता है। पर विशेष रूप पर इस दिन की पूजा पाठ संतान की लंबी आयु के लिए भी होती है। तो दोस्तों, संतान की लंबी आयु और स्वस्थ आयु के लिए माताएं ये व्रत करती है। पर अंगारकी संकट चतुर्थी के लिए अलग कथा भी कही जाती है। मान्यता है कि मंगल देव ने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया, जिसे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और ये वरदान दिया कि जो भी मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी पर उनकी पूजा अर्चना करेगा, भगवान गणेश उसकी सारी बाधाएं दूर करेंगे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि आज भी मंगलवार है और अंगारकी चतुर्थी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा संयोग माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई नौकरी की टेंशन है, आपकी कोई बिजनेस की टेंशन है, या आपको घर नहीं बन रहा है, दुकान नहीं बन रही है, तो दोस्तों आज के दिन आप एक ऐसा उपाय करके आप समस्त जीवन सुखमय बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ एक उपाय करना है, आज के दिन आप समस्त कष्टों से दूर हो जाएंगे, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ये करना है, शाम को 7 बजे आपको अपने घर के मंदिर के पास बैठना है। आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए, यानी कि घर के मंदिर के सामने आप ऐसे बैठे कि आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपने घर के मंदिर के सामने पूजा घर में बैठने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, घी का दीपक जलाने के बाद आपको 108 बार ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, ओम गण गणपते का नाम का आपको 108 बार जप करना है शाम को 7 बजे। तो दोस्तों, ये 108 बार मंत्र जाप होने के बाद आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, आपको तुरंत भगवान गणेश को बोल देनी है। जी हाँ दोस्तों, ये बोलने के बाद आप आपके काम में व्यस्त हो जाइए। तो दोस्तों, ये सिंपल और सादा उपाय करते हैं तो आपके समस्त प्रॉब्लम्स छूट सकते हैं, मतलब आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश आज के दिन आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि दोस्तों अंगारकी संकट चतुर्थी मंगलवार के दिन है। तो इससे आपके गणेश भगवान प्रसन्न होंगे और आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। तो दोस्तों, मंगल ग्रह मजबूत होने के कारण आपके कामों में ऊंचाई पा सकेंगे, आपका काम तुरंत बन सकता है। तो दोस्तों, आपकी तरक्की का आज का दिन है, आज आप ये उपाय करते हैं तो आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, ये उपाय करते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।